हमने देखा समसूत्री विभाजन में कायिक कोशिकाओं में विभाजन होकर वे अपने जैसी दिखने वाली दो कोशिकाओं की निर्मिति करती है। यह विभाजन विकास के लिए या फिर जख्म भरने के लिए उपयुक्त होता है। वही दूसरी ओर अर्धसूत्री विभाजन एक विशिष्ट प्रकार का विभाजन है, जिसमें एक बीज कोशिका का विभाजन होकर उसमें से चार प्रजनन कोशिकाओं की निर्मिति होती है, जिन्हें युग्मक कहते हैं। कायिक कोशिकाओं से भिन्न युग्मक कोशिकाओं में उनके अपने जनक कोशिकाओं मूल बीज कोशिका से आधे गुणसूत्र होते हैं, इसी कारण इन्हें अगुणित कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है मूल संख्या से आधा। द्विगुणित इसके विपरीत होता है। कायिक कोशिकाओं को द्विगुणित कोशिकाएं माना जाता है। मानवों में बीज कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के जरिए शुक्राणु या फिर अंड कोशिकाओं का निर्माण करती है। बीज कोशिकाओं में 46 गुणसूत्रों का पूरा एक गुट होता है। अर्धसूत्री विभाजन के अंत तक प्रजनन कोशिकाएं या फिर युग्मक का निर्माण होता है, जिनमें 23 अनुवंशिक रूप से समान गुणसूत्र होते हैं। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन से किस प्रकार भिन्न है। समसूत्री विभाजन में एक विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन में दो विभाजन होते हैं। आपको पीएमएटी याद होगा ना, यही प्रक्रिया दो बार एक छोटे से इंटरफेस के साथ, जहां पर डीएनए का प्रतिरूप न हो, अर्धसूत्री विभाजन है। आपको यह भी याद रखना होगा कि इसमें एक कोशिकाओं से चार कोशिकाओं की निर्मिति होती है और उन चार कोशिकाओं में उनकी जरूरत से आधे गुणसूत्र या डीएनए होते हैं। इनमें एक और अंतर है। समसूत्री विभाजन के जैसे अर्धसूत्री विभाजन में समान गुणधर्म वाली दो संतति कोशिकाओं की जनक कोशिकाओं के रूप में निर्मिति नहीं होती है। अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया में कोशिकाओं में फेर बदलकर अनुवंशिकता की दृष्टि से भिन्न प्रकार की संतति कोशिकाओं की निर्मिति होती है। चलिए इस प्रकार को हम अधिक गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। एक, इसमें समसूत्री विभाजन के पीएमएटी की जैसी अवस्थाओं में ही विभाजन होता है। गुणसूत्रों की जोड़ियां विषुववृत्त प्रतल में एक पंक्ति के रूप में एकत्रित होते हैं और फिर उन्हें विपरीत दिशा में खींचा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन इस प्रक्रिया में थोड़ा भिन्न होता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों में पारगति की प्रक्रिया होती है। इस पारगति में जनुकों का लेन देन होता है, जनुक आपस में घुल मिल जाते हैं, जिसके कारण इस विभाजन में समसूत्री के जैसे कोशिकाओं का प्रतिरूप नहीं बनता है। कोशिका का विभाजन होता है और दो नई कोशिकाओं की निर्मिति होती है, जिसमें गुणसूत्रों की एक जोड़ी होती है। सामान्यतः इसके बाद कोशिका अपने कर्तव्य की शुरुआत कर देती है, अर्थात बढ़ना और गुणसूत्रों का प्रतिरूप बनाकर दूसरे समसूत्री विभाजन की तैयारी करना। पर चूंकि ये अर्धसूत्री विभाजन, इसमें इंटरफेस छोटा होता है और विभाजन फिर से शुरू हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन दो, पूर्वावस्था। पूर्वावस्था में कोशिका में प्रस्तुत डीएनए संकुचित होकर छोटे गुणसूत्रों की निर्मिति शुरू होती है। गुणसूत्रों के हर एक जोड़ी में एक गुणसूत्र बिंदु होता है। तारक केंद्र कोशिका के विपरीत ध्रुव की ओर अपना सफर शुरू करते हैं। मध्यावस्था, इसमें गुणसूत्र विषुववृत्त के समांतर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं और तारक केंद्रक प्रतिरूप होने की प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाता है। पश्चावस्था में गुणसूत्र विभक्त होकर विपरीत दिशा की ओर जाना शुरू करते हैं। ये एक दो भागों में विभक्त हो जाता है। वे दो कोशिकाओं में गुणसूत्रों का विभाजन नहीं करते हैं, परंतु जो गुणसूत्र है उसी का विभाजन किया जाता है। अब हरेक संतति कोशिका के पास उसे कार्यरत होने के लिए आवश्यक गुणसूत्रों के आधे गुणसूत्र होते हैं। अंत्यावस्था, इसमें गुणसूत्र पूर्ण रूप से कोशिका के एक ओर आ जाते हैं और कोशिका आवरण में दरार आने लगती है। इस प्रक्रिया की समाप्ति के बाद हमें चार अगुणित कोशिकाएं मिलती हैं, जिन्हें युग्मक कहा जाता है। युग्मक का उद्देश्य उसी प्रकार के अन्य युग्मक की खोज करना होता है, जिससे वे एक साथ मिल सके, और इस प्रकार जब वे एक साथ मिलते हैं तब नए प्राणी की निर्मिति होती है।